दोस्तों हम विचार शून्य स्टेट कैसे प्राप्त करें, इसके ऊपर एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ही गहरा सूत्र है। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया बीकानेर राजस्थान से। तो दोस्तों हम अगर ये चाहते हैं कि हम विचार शून्य स्टेट प्राप्त करें तो उसके लिए हमें इस चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना पड़ेगा, बहुत ही सही तरीके से समझना पड़ेगा कि हमारे दिमाग के अंदर कोई भी जो विचार है वो पैदा क्यों होता है। इस विचार के पैदा होने के पीछे की साइंस क्या है, उस साइंस को हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर हम इस साइंस को बहुत अच्छे समझ लेते हैं कि कोई भी विचार क्यों पैदा होता है, तो हम विचार शून्य स्टेट भी अपने जीवन के अंदर अचीव कर सकते हैं, विचार शून्य अवस्था भी हम हमारे जीवन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर यह सवाल बहुत बड़ा है कि कोई भी विचार हमारे दिमाग में पैदा क्यों होता है। दोस्तों हमें जब भी हमारे जीवन में किसी चीज की कमी लगती है, जब भी हमें हमारे जीवन में किसी चीज की जरूरत पैदा होती है, जैसे मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, मुझे इंजीनियर बनना चाहिए, मुझे अच्छा दिखना है, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, जब भी किसी चीज की हमारे अंदर जरूरत पैदा होती है तो उस जरूरत को, उस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग एक लक्ष्य बनाते हैं, एक एम डिसाइड करते हैं। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम लोग एक प्लान बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं, और इस योजना को पूरा करने के लिए हमें विचारों की आवश्यकता होती है। इवन इस लक्ष्य को बनाने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, विचारों की जरूरत पड़ती है। इस प्लान को बनाने के लिए भी हमें विचारों की जरूरत पड़ती है, और इसको पूरा करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, विचारों की जरूरत पड़ती है। इस चीज को बहुत अच्छे समझिएगा, जब भी आपके जीवन में किसी चीज की जरूरत महसूस होती है, किसी चीज की कमी खलती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए आप एक प्लान बनाते हो, एक लक्ष्य निर्धारित करते हो। इन दोनों चीजों के लिए आपको किसकी जरूरत है, थॉट्स की जरूरत है, और इसको पूरा करने के लिए भी आपको किसकी जरूरत पड़ती है, थॉट्स की जरूरत पड़ती है। समझिएगा हमारे जीवन के अंदर जो जरूरतें हैं, जो कमी है, वो दो प्रकार की है। हमारे जीवन के अंदर जो जरूरत है, जो कमी है, वो दो प्रकार की है। एक तो है वास्तविक कमी, एक तो है वास्तविक कमी और दूसरी है झूठी कमी। एक तो है हमारी रियल नीड, वास्तविक जरूरत, और दूसरा है हमारी झूठी जरूरत। वास्तविक जरूरत से क्या मतलब है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों। जितना अच्छे से आप समझेंगे, जितना अच्छा आप अपना दिमाग इसके अंदर लगाएंगे, उतनी ही ज्यादा शांति आप लोगों को महसूस होगी, उतनी ही ज्यादा पीस, उतनी ही ज्यादा शून्य स्टेट आप अपने जीवन के अंदर उतार पाएंगे, समझ पाएंगे। सीबीटी के इस प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। वास्तविक जरूरत, जैसे मान लीजिए कि मुझे भूख लगी है, भूख कब लगती है, जब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी हो जाती है। हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की जरूरत पड़ती है तब हमें भूख लगती है। तो भूख जब लगती है तो इस भूख को हम कैसे मिटा सकते हैं, वो लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि इस भूख को कैसे मिटाया जा सकता है। भूख को मिटाने का एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, भूख को मिटाने के लिए हमें खाना चाहिए। तो हम खाना प्राप्त करने का एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और यह खाना हमें कहां मिलेगा, इस खाने तक हम कैसे पहुंचेंगे, इसका पूरा का पूरा हम क्या बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, और इसको फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं। और जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें वहां पर किसकी जरूरत पड़ती है, थॉट्स की जरूरत पड़ती है, विचारों की जरूरत पड़ती है।
ये जो खाना है हमें कैसे मिलेगा, कहां पर मिलेगा, उस तक मैं कैसे पहुंच सकता हूं, इन सारे गैप को फुलफिल करने के लिए हमें थॉट्स की जरूरत पड़ती है। और ये जो डिस्टेंस है वो जितनी ज्यादा होती है, मतलब आपका जो कमी और आपका जो लक्ष्य है उसके बीच की डिस्टेंस जितनी ज्यादा होती है उतना ही हमें थॉट्स की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि खाना मेरे सामने ही पड़ा है तो मैंने उसको खा लिया, मेरा दिमाग शांत, मेरा मन शांत, कोई एक्सेसिव थॉट्स नहीं, रिलीफ मिल गया मुझे, आराम मिल गया। लेकिन अगर मेरे आसपास खाना नहीं पड़ा, मेरे से खाना 10 फीट की दूरी पे है तो मेरा दिमाग थोड़ा एक्स्ट्रा चलेगा, मुझे 10 फीट तक चल के जाना है, उस दरमियान भी मेरा दिमाग चलेगा। खाना और ज़्यादा दूर है तो उसके लिए और ज़्यादा मेरे दिमाग के अंदर प्लानिंग्स आएगी, वहाँ पे कैसे पहुँचना है, मुझे कौन सी गाड़ी यूज़ करना है, किस तरीके से मुझे वहाँ पे पहुँचना है, उन सब चीज़ों की प्लानिंग्स है। उन सब प्लानिंग्स के लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ती है, थॉट्स की ज़रूरत पड़ती है। मतलब आपके जीवन में जो कमी है और उस कमी हमारे जीवन में जो कमी है, हमारे जीवन में जो ज़रूरत है, कमी और ज़रूरत के बीच की डिस्टेंस जो है, अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो हमें बहुत ज़्यादा थॉट्स की आवश्यकता पड़ती है, हमारा दिमाग ज़्यादा चलता है, हमारे दिमाग में ज़्यादा विचार पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बहुत सारे प्लान बनाने पड़ते हैं और उन सारे प्लानों को पूरा करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, थॉट्स की आवश्यकता है। तो लक्ष्य की दूरी अगर ज़्यादा है तो थॉट्स भी ज़्यादा होते हैं। समझिएगा इस चीज को बहुत अच्छे से। और अगर लक्ष्य करीब है, लक्ष्य नजदीक है, तो हमारे दिमाग के अंदर प्लान भी छोटे होते हैं, प्लान भी कम होते हैं, थॉट्स भी कम आते हैं और चीजें इजी हो जाती है, हमारे मन के अंदर शांति हो जाती है। जैसे मुझे प्यास लगी है, मेरे शरीर के अंदर पानी की कमी हो गई है तो मुझे प्यास लगी है, तो मुझे उस पानी की प्यास को, जो मुझे प्यास लगी उस प्यास को बुझाने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। तो वो पानी कहाँ कहाँ अवेलेबल है, वहाँ तक मैं कैसे पहुँच सकता हूँ, वहाँ तक पहुँचने का जो पूरा प्लान बनाऊँगा तो उसके लिए मुझे थॉट्स की आवश्यकता है, वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है उसके लिए मुझे थॉट्स की आवश्यकता है, इन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए भी मुझे किसकी आवश्यकता है, थॉट्स की आवश्यकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे प्यास लगी और पानी मेरे एकदम पास में पड़ा है, मेरे हाथ में पड़ा है, तो मैंने पी लिया, दिमाग शांत, फटाक से शांत हो जाता है। लेकिन इसके बीच में जितनी ज़्यादा डिस्टेंस है उतना ही दिमाग मेरा किस में जाता है, थिंकिंग वाली फेज में जाता है, उतनी ही ज़्यादा मेरे दिमाग के अंदर का क्रिएट होते हैं, विचार क्रिएट होते हैं। तो दोस्तों, एक तो हमारे जीवन की वास्तविक कमी है, वास्तविक ज़रूरत है, तो इस वास्तविक ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारे दिमाग के अंदर क्या क्रिएट हुए हैं, विचार क्रिएट हुए हैं, थॉट्स पैदा हुई है हमारे दिमाग के अंदर। दूसरी जो कमी है वो एक झूठी कमी है, मतलब एग्जैक्टली हमारे अंदर किसी चीज की कमी है नहीं, हमारे अंदर किसी चीज की जरूरत है नहीं, बट फिर भी हमें वो जरूरत महसूस होती रहती है, वो कमी महसूस होती रहती है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि मैंने अपने आप को साधारण मान लिया, मैंने अपने आप को साधारण मान लिया, मैंने अपने आप को कमजोर मान लिया, मैंने अपने आप को साधारण मान लिया, मैंने अपने आप को कमजोर मान लिया, तो इस साधारण चीज को कैसे मैं हटा सकता हूं, इस कमजोरी को मैं कैसे हटा सकता हूं, इसके लिए फिर मैं ये देखता हूं कि इस संसार के अंदर असाधारण कौन कौन है, और वो जो लोग असाधारण हैं वो असाधारण लोग क्या कर रहे हैं, फिर मैं उन कार्यों को करने का क्या करता हूं, लक्ष्य बनाता हूं, उन कार्यों को करने का लक्ष्य बनाता हूं और उस लक्ष्य को पूरा करने का प्लान बनाता हूं, और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती है, विचारों की जरूरत पड़ती है। मतलब इस लक्ष्य को तय करने में भी मुझे थॉट्स की जरूरत है, एनालिसिस करना पड़ेगा उसके लिए भी मुझे थॉट्स की जरूरत है, प्लान बनाना है उसके लिए भी मुझे किसकी जरूरत है, थॉट्स की जरूरत है, और इन चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए भी मुझे किसकी जरूरत है, थॉट्स की जरूरत है। जैसे मान लीजिए कि एक महिला है
जिसने अपने आप को कम सुंदर आंक रखा है। एक महिला है जिसने अपने आप को कम सुंदर मान रखा है। तो यहां पर मन में एक चाह पैदा होती है, एक डिजायर पैदा होती है। किस चीज की डिजायर पैदा होती है? ज्यादा सुंदर की। अगर हमने अपने आप को कम सुंदर मान रखा है तो मन में इच्छा पैदा होती है ज्यादा सुंदर होने की। तो इस संसार में जो जो लोग ज्यादा सुंदर है वो लोग क्या कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। उस लक्ष्य को पाने का जो प्लान है वो तैयार किया जाता है। जैसे एडवर्टीजमेंट आता है कि एक एक्टर है वो एक ब्यूटी प्रोडक्ट का ऐड कर रहा है, एक ब्यूटी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर रहा है कि देखो इस ब्यूटी प्रोडक्ट को मैं लगा रहा हूं तो मैं बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहा हूं, मैंने अपनी एज को रोक रखा है, मैं बहुत ज्यादा गोरा हो गया हूं इस ब्यूटी प्रोडक्ट को यूज करके। तो मैंने इस ब्यूटी प्रोडक्ट को यूज किया इसलिए मैं क्या हो गया, गोरा हो गया, इसलिए मैं सुंदर हो गया, इसलिए मैं बहुत अच्छा दिखने लग गया, इसलिए इतने सारे लोग जो हैं वो मुझे चाहते हैं, मुझे पसंद करते हैं। तो उनसे रिलेटेड हम भी क्या बना लेते हैं, फिर अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि भाई मुझे भी वही ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदना है, वो ब्यूटी प्रोडक्ट मुझे यूज करना है। फिर हम उस ब्यूटी प्रोडक्ट को पाने का प्लान बनाते हैं और उस ब्यूटी प्रोडक्ट को यूज करते हैं। किस लिए यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमने अपने आप को कम सुंदर मान रखा है। तो ये कम सुंदर मान रखा है तो इस कम सुंदरता से हम अधिक सुंदरता तक कैसे पहुंच सकते हैं? उस ब्यूटी प्रोडक्ट से, उस ब्यूटी प्रोडक्ट से। अब मान लीजिए कि हमने उस ब्यूटी प्रोडक्ट को यूज भी कर लिया, हमने मेकअप भी कर लिया और हम किसी जगह पे जाते हैं तो वहां पे लोगों ने हमारी तारीफ भी कर दी। वो हमारी तारीफ नहीं है, वो उस मेकअप की तारीफ है, उस ब्यूटी प्रोडक्ट की तारीफ है। और किसी दिन मान लीजिए कि आप बिना मेकअप कहीं पर चले गए तो आपको वहां पर वो तारीफें नहीं मिलती। अब चूंकि तारीफ सुनने की आदत हो रखी है तो वो तो तारीफ आपकी नहीं थी, वो किसकी थी? उस मेकअप की तारीफ थी, वो उस ब्यूटी प्रोडक्ट की तारीफ थी। लेकिन हम उस तारीफ को अपना समझ बैठते हैं और वहां पे हमें बड़ी परेशानी होती है कि यार इसको यूज तो कर लिया लेकिन कुछ हुआ नहीं। बेसिकली प्रॉब्लम जो है ना ये यहां पे है कि हमने अपने आप को क्या कर रखा है, कम सुंदर आंक रखा है। और जब आपने अपने आप को कम मान रखा है और आप ये समझते हैं कि वो ब्यूटी प्रोडक्ट अगर आपके जीवन में ऐड हो जाए तो उससे आप ज्यादा सुंदर हो जाएंगे, तो अभी भी आपके ये जो बेसिक प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम दूर नहीं हुई है। अगर आप उस ब्यूटी प्रोडक्ट को अपने साथ जोड़ने से आप ये समझते हैं कि आप ज्यादा सुंदर हो गए तो आपके अंदर एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। हमारे अंदर एक डिपेंडेंसी क्रिएट होती है किस चीज की? उस ब्यूटी प्रोडक्ट की डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है कि ये जब जब मेरे साथ रहेगा, जब जब मेरे पास रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगता रहेगा। क्यों? क्योंकि लोगों को मैं उस स्थिति में सुंदर दिखाई देता हूं और जब मैं उन स्थिति में सुंदर दिखाई देता हूं तो ये प्रोडक्ट मेरे पास में होना चाहिए। फिर उस चीज के खोने का डर और सताता है, तो कहीं वो मुझसे दूर ना चला जाए, ये जो प्रोडक्ट है कहीं ये मुझसे दूर ना हो जाए। इसके लिए भी हमें फिर प्लानिंग करनी पड़ती है और इस प्लानिंग के लिए भी हमें किसकी जरूरत है? थॉट्स की जरूरत है। इसके लिए भी हमें थॉट्स की जरूरत है। जो हमारी डिपेंडेंसी हो रखी है उस डिपेंडेंसी जिस चीज पर हो रखी है वो चीज हमसे दूर ना चली जाए, उसके लिए भी हम हमारे दिमाग में क्या क्रिएट होती है? थॉट्स क्रिएट होती है। तो यहां पर ये जो थॉट वाला मामला है फिर ये कभी भी स्टॉप नहीं होता, क्योंकि हमेशा डर लगता है कि कहीं ये मुझसे दूर ना चला जाए। क्योंकि हमने जो यहां पर तरीका ढूंढा है, हमने यहां पर जो थॉट्स पैदा करने का जो तरीका ढूंढा है वो तरीका हमेशा बना रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर अपने आप को हमेशा क्या मान रखा है? कम ब्यूटीफुल मान रखा है, कम सुंदर मान रखा है। और जब तक हम अपने आप को कम सुंदर मानते रहेंगे, इस प्रोडक्ट के ऐड होने से हमारा ये मानना नहीं बदला है, और जब तक हमारा ये मानना नहीं बदलेगा ना, तब तक इस प्रकार की ये जो ओवर थिंकिंग का जो जाल हमारे दिमाग में पैदा हो रहा है ना, इस ओवर थिंकिंग के जाल को हम किसी भी प्रकार से शांत नहीं कर पाएंगे। इस प्रकृति के अंदर पैदा हुआ, इस नेचर के अंदर पैदा हुआ हर एक व्यक्ति जबरदस्त असीमित सुंदरता लिए हुए पैदा हुआ है। इस प्रकृति के अंदर जो भी प्राणी है वो अपने आप में बहुत ही जबरदस्त ब्यूटी है उसके पास में। हर एक व्यक्ति इस पूरी प्रकृति पर क्या है? असाधारण है। कोई भी साधारण नहीं है। जब हम अपने आप को असाधारण कंसिडर करना शुरू करते हैं,
जब हम ये चीज समझ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे असाधारण हैं, कोई भी उसमें साधारण नहीं है, आप अपने आप में सर्वोच्च सुंदर हो, आप जैसे हो आप पूरी तरह से परफेक्ट हो, आप पूरी तरह से सुंदर हो, जब आप ये चीजें समझ लेते हो, ये चीज अंडरस्टैंड कर लेते हो, तो फिर हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी हमें नहीं खलती, किसी भी प्रकार की कोई कमी हमें नहीं झलकती। जब कोई कमी हमें नहीं खलती, जब हमें कोई कमी नहीं झलकती, कोई जरूरत हमारे अंदर पैदा नहीं होती, तो फिर उस जरूरत को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य भी निर्धारित नहीं होता। जब लक्ष्य निर्धारित नहीं हो रहा तो किसी भी प्रकार का थॉट क्रिएट नहीं हो रहा, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई प्लान भी नहीं बनता, जब प्लान नहीं बन रहा तब भी कोई थॉट क्रिएट नहीं होगा। और इन दोनों को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें किसी भी प्रकार के थॉट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी है ही नहीं, प्रकृति ने हमें पूरी तरह से सुंदर बनाया, हर तरीके से हमें पूरी ब्यूटी के साथ पैदा किया है, हमें किसी भी प्रकार के श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है, हर प्रकार की ब्यूटी हमारे अंदर है। लेकिन अगर हम ये कंसिडर करते रहते हैं कि नहीं मेरे अंदर कुछ कमी है, मेरे अंदर कुछ कम है, मेरे अंदर किसी चीज की जरूरत है, वो चीज अगर मेरे अंदर आ जाए ना तो मैं परिपूर्ण हो जाऊंगा, आप पैदा ही परिपूर्णता के साथ हुए हैं। इस प्रकृति के अंदर जितने भी लोग पैदा हुए हैं वो पूरी परिपूर्णता के साथ पैदा हुए, किसी भी प्रकार की किसी में कोई कमी नहीं है। हर व्यक्ति इस प्रकृति के अंदर असाधारण है। जब तक हमारे अंदर ये चीज नहीं आएगी तब तक हमारे अंदर इस कमी को पूरा करने के जो लक्ष्य है वो निर्धारित होते रहेंगे, और जब लक्ष्य निर्धारित होते रहेंगे तो उनसे रिलेटेड हमारे अंदर प्लान भी बनते रहेंगे, लक्ष्य निर्धारण के लिए भी हमारे दिमाग में थॉट्स कंटिन्यूस चलती रहेगी, और उस प्लान को पूरा करने के लिए भी हमारे दिमाग में थॉट्स कंटिन्यूस चलती रहेगी, और हम कंटिन्यूसली किसका शिकार बने रहेंगे, ओवर थिंकिंग का शिकार बने रहेंगे, हमारे दिमाग में लगातार विचार चलते रहेंगे, हम कभी भी विचार शून्यता की स्टेट प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर जो थॉटलेस स्टेट है वो डेवलप ही नहीं हो पाएगी, हमारे मन के अंदर लगातार 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 थॉट्स क्रिएट होते रहेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं, समझिएगा कि जैसे एक व्यक्ति है, उसके बॉडी के सारे टेस्ट नॉर्मल है, उसकी सारी जांचें नॉर्मल है, मतलब फिजिकली उसको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब वास्तव में कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, वास्तव में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मन में ऐसा है कि उसे समस्या है, ये उसने मान रखा है, उसका बिलीफ सिस्टम सेट होया हुआ है, उसने ये मान रखा है कि उसको किसी चीज की समस्या है, उसको किसी चीज की प्रॉब्लम है। तो किसी चीज की प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि उसने हार्ट से संबंधित मान रखा है कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, या मुझे हार्ट की प्रॉब्लम तो होगी होगी, कोई ना कोई दिक्कत तो है मेरे अंदर, तो जब मुझे दिक्कत है मतलब मैं अस्वस्थ हूं, तो मुझे स्वस्थ होना है, मुझे समस्या है, मुझे तकलीफ है, तो स्वस्थ होने का जो लक्ष्य है वो मुझे निर्धारित करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे किसकी जरूरत है, थॉट्स की जरूरत है, और इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता हूं उसके लिए मुझे प्लान बनाना पड़ेगा, मुझे डॉक्टर से मिलना है, मुझे जांचें करवानी है, मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे तेल नहीं खाना, मुझे घी नहीं खाना, मुझे किसी भी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल नहीं लेना, मुझे सिंगल एक ड्रॉप भी ऑयल की नहीं जानी चाहिए, जितने भी परहेज है उन सारे के सारे परहेज को करने के प्लानिंग बन गई है, यहां पर लक्ष्य को प्राप्त करने का पूरा प्लानिंग बन गया। इन सारी सारी चीजों के अंदर हम किसकी जरूरत है, थॉट्स की जरूरत है, तो हमारा दिमाग किस में चलने लग जाता है, ओवर थिंकिंग के अंदर चलने लग जाता है, और ये जो ओवर थिंकिंग है ये फिर हमें बड़ी परेशान करती है, क्यों, क्योंकि दिमाग हमारा शांत नहीं हो रहा, और दिमाग शांत होगा भी नहीं, कहां से शांत होगा, जब हमने ये कंसिडर कर रखा है कि मुझे कोई समस्या है, मेरे अंदर कोई कमी है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए तो दिमाग में थॉट पैदा ही होता रहेगा ना भाई, थॉट हमेशा हर कमी को पूरा करने के लिए पैदा होता है। आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करने के लिए किसकी जरूरत है, थॉट्स की आवश्यकता है। तो आपने अगर हमेशा यह मान ही रखा है, हमारे अंदर यह अगर गहराई तक हमने अगर यह कंसिडर कर ही रखा है कि मुझे कोई ना कोई दिक्कत है, मुझे कोई ना कोई परेशानी है, मुझ में कोई ना कोई कमी है, मुझे किसी ना किसी चीज की जरूरत है, तो इन सब चीजों को पूरा करने के लिए क्या क्रिएट होगा, ऑटोमेटिकली थॉट क्रिएट होगा,
और फिर हमें उस थॉट से परेशानी है, भाई वो थॉट तो क्रिएट हो गई होगा, ये तो नेचुरल लॉ है, ये तो प्रकृति से पैदा हुई चीज है, आप उस थॉट का कुछ नहीं कर सकते। अगर उस थॉट को हटाना है, अगर उस थॉट को सही तरीके से डील करना है, तो इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इस चीज को अपने मन की गहराई तक बिठाना पड़ेगा, अपने मन के भीतरतम हिस्से तक हमें इस चीज को पहचानना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा कि मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं पूरी तरह से परफेक्ट हूं, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूं, मुझे कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूरी तरह से बहुत ही बेहतरीन हूं, बहुत ही बढ़िया हूं। जब हमारे मन में ये चीज उतर जाती है तो फिर स्वस्थ होने का कोई और उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और जब उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती तो दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई ओवरथिंकिंग नहीं चलती, मन आपका एकदम शांत है, पूरी तरह से आपका मन प्रेजेंट मोमेंट में है। इस चीज को बहुत ही गहराई से समझिएगा दोस्तों कि हमने अपने भीतरतम मन में क्या कंसीडर कर रखा है। जैसा आपने कंसीडर कर रखा है, अगर आपने ये कंसीडर कर रखा है कि मैं तो पूरी तरह से स्वस्थ हूं, मैं तो पूरी तरह से परफेक्ट हूं, अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो और ज्यादा स्वस्थ होने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई उपाय करने की जरूरत महसूस नहीं होती, और जब जरूरत महसूस नहीं होती तो उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का थॉट भी क्रिएट नहीं होता, मन आपका शून्य के स्टेट में आ जाता है। मैं पूरी तरह से परफेक्ट हूं, मैं जो कर रहा हूं वो परफेक्ट तरीके से कर रहा हूं, मेरे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी अपने आप में परफेक्ट है, अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, अपने आप में बेहतर है, श्रेष्ठ है। जब मैं ये कंसिडर करता हूं तो मुझे और ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होने की जरूरत ही महसूस नहीं होती, और जब जरूरत महसूस नहीं होती तो मेरे दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई एक्सेसिव थॉट्स नहीं चलती, मैं ऑलवेज किस में हूं, थॉटलेस स्टेट में हूं, शून्य की अवस्था में हूं। मैं अपने आप में असाधारण हूं, मैं अपने आप में असाधारण हूं। जब मैं असाधारण हूं तो मुझे और ज्यादा असाधारण होने की आवश्यकता नहीं है, जब आवश्यकता नहीं है तो इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई थॉट हमारे दिमाग में क्रिएट नहीं होता। मैंने खुद ही अपने काम को कम आंक रखा है तो जो अधिक काम है मुझे उसका लक्ष्य बनाना पड़ेगा, और वो जब लक्ष्य बनेगा उसकी प्लानिंग भी बढ़ेगी, और उसकी प्लानिंग बढ़ेगी तो इन सारी प्रक्रियाओं में मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, थॉट की जरूरत पड़ेगी। आप जो काम कर रहे हो, चाहे आप दुकानदार हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी भी प्रकार का ठेला लगाते हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप कुछ भी हो, आप अपने आप में पूरी तरह से सर्वश्रेष्ठ हो। जब तक हमारे मन में ये धारणा मजबूत नहीं होती, जब तक ये हमारे आंतरिक मन तक गहराई तक नहीं उतरती, तब तक हमारे दिमाग में थॉट्स का ये जो जाल है ये पैदा होता रहता है। अगर हमें थॉटलेस स्टेट में जाना है, शून्य की अवस्था में जाना है, तो हमें अपने भीतरतम मन के अंदर इस चीज को समझना पड़ेगा, इस चीज को अनुभव में लाना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी है ना, इस प्रकृति के अंदर जो कुछ भी है, वो अपने आप में विशेष है। आप बहुत ज्यादा विशेष हो, आप जब पैदा हुए थे तो करोड़ों शुक्राणुओं से लड़कर आप पैदा हुए थे, मतलब आपने पैदा होते ही अपने जीवन के अंदर इतनी बड़ी जंग को जीत लिया था, 15-20 करोड़ शुक्राणुओं से लड़कर आप पैदा हुए हो, इतने ज्यादा आप विशेष हो, इतने ज्यादा आप महत्वपूर्ण हो, तो आपको और ज्यादा विशेष होने की आवश्यकता नहीं है, आपको और ज्यादा महत्वपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप में परिपूर्ण सुंदरता को समाये हुए हो, आपको और ज्यादा सुंदर होने की आवश्यकता नहीं है, आप जैसे हो अपने आप में पूर्ण हो, आप किसी भी तरीके से अपूर्ण नहीं हो। अगर आप अपने आप को अपूर्ण मानते रहते हो तो फिर पूर्णता का लक्ष्य बन जाता है, और जब पूर्णता का लक्ष्य बन जाता है तो उसके लिए प्लान भी बनता है, फिर उसको एग्जीक्यूट, उसको पाने की तरफ हमारे कार्य भी बढ़ते हैं, हमारे दिमाग में थॉट भी बढ़ती है, विचार भी आते हैं, फिर हम उस ओवरथिंकिंग के जाल में उलझ जाते हैं, क्योंकि हमारा मानना जो है वो महत्वपूर्ण है। तो इस चीज को दोस्तों बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा, बहुत गहराई तक समझिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा, आपकी लाइफ के अंदर पूरी तरीके से ये जो थॉटलेस स्टेट है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेवलप होगी। इस CBT के प्रिंसिपल को बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा, गहराई तक समझिएगा, और दोस्तों इस तरह के और ज़्यादा प्रिंसिपल्स को समझने के लिए अपने मन को, अपने आप को, अपने विचारों को, अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने परसेप्शन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए दोस्तों हम लोगों ने CBT के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का पूरा कोर्स लॉन्च किया, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर उतार के अपनी हर प्रकार की ओवरथिंकिंग से शून्य स्टेट के अंदर आ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया
प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।